ये हमने यहाँ पर गए हैं इंडियन एम्बेसी और हमने डिस्कस की इंक्लूडिंग माय असाइलम केस और दूसरे भी कुछ चीज़ें, तो हमें उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव आएगा। तो अभी क्या होगा इस वक्त, तो आप वहीं इंडियन गवर्नमेंट से पूछें कि वो इस पर क्या कर रहे हैं। तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन डिटेल एंड वी वर वेरी वेलकम, और हमें उम्मीद है एक अच्छा ही खबर आएगा जो हम सबके मफाद में होगा। हमारी जो रिक्वेस्ट है उनसे, इंडियन गवर्नमेंट को कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो हमारे लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन लोगों के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए, सब के लिए अच्छा हो, वही होना चाहिए। मैं ट्रैवल नहीं कर सकता और यूरोपियन जो मुल्क हैं यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर एक जगह पर आपकी है तो। इनका एक अपना एक ट्रीटी है, सो ओनली प्लेस इज़ इंडिया, उस रीजन में जो एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है। तो आई थिंक इस लिहाज से हमारी रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात है कि इंडियन लोग जो हैं वो जानते हैं मसले को, हमें लोगों की सपोर्ट है। एंड आफ्टर द स्पीच ऑफ नरेंद्र मोदी साहब, जब हमने उस पर रिस्पॉन्स किया, वेलकम किया, तो उसके बाद से लेकर आज तक, मैं सिर्फ आपको अपने बता रहा हूँ, मेरे जो पर्सनल फेसबुक हैं, ट्विटर अकाउंट्स हैं, इतने थाउजेंड्स मैं नहीं कहूँगा, मिलियंस लोगों के मैसेज आते हैं। सो इट्स वेरी इंकरेजिंग एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर ह्यूज लव फ्रॉम द इंडियन पीपल। सो ये सब रीज़न है, आई वॉन्ट टू बी अमंग द पीपल जहाँ हमें प्यार मिले, मोहब्बत मिले, रिस्पेक्ट मिले। कल यूएन में भाषण दिया नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कश्मीर के बारे में बात किया, बहुत सारी बात किया, लेकिन बलूचिस्तान में जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उस पर कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने। तो वो ऐसे ही रबर स्टैम्प है और बैठे हैं, जो इनको आर्मी कहते हैं वो करते हैं। और बलूचिस्तान में, आप बलूचिस्तान को छोड़ें जी, वहाँ पर कश्मीर पर सिर्फ बात करना वो एक हिपोक्रेसी उनका जाहिर होता है कि बलूचिस्तान में आप खुद क्या कर रहे हैं, आप सिंध में क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग इन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सब जो रीजन है नेबर, सब आपसे तंग आ चुके हैं, कोई भी आपके साथ रहना नहीं चाहता।